हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि नवजात शिशु के मुट्ठी बंद ही रहते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में इसका मेन कारण समझते हैं, साइंटिफिक कारण ये क्या है। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप ये जान ले कि गर्भ में सबसे नाजुक शिशु नहीं होता, बल्कि वह पतली झिल्लीदार एमनियोटिक थैली होती है जिसके अंदर शिशु विकसित होता है। नाखून तो पैर में भी होते हैं। नवजात शिशु के पैरों को ध्यान से देखिए, पैरों के नाखून अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, इसलिए उनसे झिल्ली को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। यदि एमनियोटिक थैली को नुकसान पहुंच जाए तो गर्भस्थ शिशु की मृत्यु सुनिश्चित है। इसलिए शिशु की मुट्ठी बंद और अंगूठा अंदर रहता है ताकि उसके मुलायम लेकिन धारदार नाखून से एमनियोटिक थैली को कोई नुकसान ना पहुँचे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू।